बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अच्छे कारोबारी शख्स की खसूसियात, क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन। कारोबार की तरक्की का अनासर बहुत हद तक कारोबारी आदमी काबिलियत और इस्तेदाद पर भी होता है। कारोबारी आदमी को एक अच्छा नाज़िम साबित होने के लिए उसमें दो तरह की खसूसियात होनी चाहिए। नंबर वन है ज़ाती और नंबर टू है पेशा वाराना। ज़ाती साफ़ और पेशा वाराना साफ। ज़ाती साफ़ में जिसको हम कहेंगे पर्सनल क्वालिटीज़, इसमें नंबर वन आता है अच्छी सूझबूझ। एक अच्छे कारोबारी शख्स की पहली खूबी यह है कि उसे अच्छी सूझबूझ का मालिक होना चाहिए। कारोबार को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए उसे तमाम कारोबारी मामलात सुलझाने की महारत और अक्ल सलीम होनी चाहिए। कारोबारी सलाहियत, कारोबारी सलाहियत से बिजनेस कैपेबिलिटी। एक अच्छा कारोबारी शख्स वह है जिसमें कारोबार को कामयाबी से चलाने और हालात की वसत के मुताबिक और हालात को कारोबार से चलाने और हालात के मुताबिक गुस्सा देने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। कारोबारी दयानतदारी, ये सबसे बड़ी खूबी होती है। एक अच्छे कारोबारी शख्स के लिए ज़रूरी होता है कि वह कारोबारी लेन देन में खरा और सच्चा हो, अपने तमाम कारोबारी मामला ईमानदारी दयानतदारी से चलाए। कारोबारी दायरे की साख का अनासार उसकी ईमानदारी पर होता है। नंबर फोर है ज़हानत। कारोबार एक कारोबारी शख्स को ज़हीन होना चाहिए। कारोबार को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए बेपनाह ज़हानत दरकार होती है। ज़हीन शख्स कारोबारी पालिसियों पर दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसला कर सकता है। होशियारी भी होनी चाहिए एक अच्छे कारोबारी शख्स में। एक कारोबारी शख्स को होशियार होना चाहिए ताकि अपनी होशियारी के बदौलत कारोबारी मौके से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। और नेक्स्ट जो क्वालिटी है वह है कुव्वत फैसला। एक कारोबारी शख्स में कारोबारी फैसले बर वक्त करने के लिए खूबी मौजूद होना चाहिए। कारोबार में नत ने मसायल पैदा होते रहते हैं जिनको कुव्वत फैसला का हामिल शख्स हल कर सकता है। काबिल एतमाद कारोबारी शख्स जो है उसको काबिल एतमाद होना चाहिए ताकि दूसरे लोग कारोबारी और दूसरे कारोबारी दार उस पर एतमाद करते हुए उसे तजारती सौदे कर सकें। माली हैसियत, एक अच्छे कारोबारी शख्स को मजबूत माली हैसियत का मालिक होना चाहिए क्योंकि मालियत के बगैर ना तो कारोबार शुरू किया जा सकता है और ना ही इसे कामयाबी से हमकनार किया जा सकता है। मुतासर कुन शख्सियत, कारोबारी शख्स को मुतासर कुन शख्सियत का मालिक होना चाहिए। जब कोई दूसरा कारोबारी शख्स एक बार ऐसे शख्स लेन देन करता है तो उसकी शख्सियत मुतासर हुए बगैर ना रह सके और उसकी ख्वाहिश हो कि वो जब भी जो है दोबारा भी कोई कारोबार सौदा करे तो इसी शख्स से करे और इसी शख्स से अपने कारोबारी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश करे। मेहनती एक कारोबारी शख्स को मेहनती होना चाहिए और उसे काम से जी नहीं चलाना चाहिए। उसे देर तक काम करने का आदी होना चाहिए और मेहनती होने के साथ साथ उसे खुश अखलाक भी होना चाहिए। उसे अपने तमाम सबॉर्डिनेट से, तमाम वर्कर से, तमाम कारोबार हल्के में मिलने वाले लोगों के साथ खुश अखलाक की मोहब्बत और एहसास से पेश आना चाहिए। खुश अखलाकी में कोई खर्चा नहीं आता लेकिन ये ग्राहकों को शक खुदारी पर मायल कर देता है। खुश अखलाक होने के साथ साथ कारोबार शख्स को खुश लिबास भी होना चाहिए और मौसम के मुताबिक वो अच्छे किस्म के लिबास पहने। कारोबार शख्स को बाज़ूकात मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है इसलिए ज़रूरी है कि उसको उसका लिबास सादा और खुशनुमा हो। और नेक्स्ट है ताउन कॉपरेशन, कारोबारी शख्स को दूसरे कारोबारी लोगों के साथ तावन करने की खूबी भी होनी चाहिए। इस खूबी से अपने कारोबारी को कामयाबी से हमकनार कर सकता है। और नेक्स्ट जो सबसे अहम खूबी है वो है पाबंदी वक्त। एक कारोबारी शख्स को जो है पंचुअल होना चाहिए, पाबंदी वक्त होना चाहिए और उसे दफ्तर आने और जाने के औकात कार्ड को पाबंद होना चाहिए। उसे हर काम मुकर्रर वक्त पर जो है वो करना चाहिए।
अच्छा जी, इसके साथ साथ है मुस्तकिल मिजाज, मुस्तकिल कारोबारी आदमी का मुस्तकिल मिजाज होना ज़रूरी है। कारोबार की ज़्यादती में उससे मुस्तकिल मिजाज का सबूत देना चाहिए। दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते वक्त भी उसे अपनी बुर्दबारी और तहमुल से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट है ज़िम्मेदार, कारोबार के कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कारोबारी आदमी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए हर काम ज़िम्मेदारी से करे और काम में दिलचस्पी ले। काम में दिलचस्पी, कारोबारी आदमी को अपने काम से दिलचस्पी होनी चाहिए, हर काम उसे हर काम खुशी और से सर अंजाम देना चाहिए और उसको रास गो भी होना चाहिए। एक कारोबारी शख्स जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो रास गो हो। अगर ये झूठ बोलने का आदी होगा तो उसे कारोबारी ग्राहकों और कारकुनों पर बुरा असर पड़ेगा। और लचक पजीरी, कारोबारी शख्स ऐसा होना चाहिए कि ये अपनी तबीयत में लचक पैदा कर सके और नए माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल सके। दूर अंदेश, कारोबारी शख्स को दूर अंदेश होना चाहिए, उसे मुस्तकबिल में कारोबार की मनसूबाबंदी के लिए सोच विचार जो है वो करनी चाहिए। और कायदाना सलाहियत, कारोबारी आदमी कायदाना सलाहियत का मालिक होना चाहिए। ये काम कारोबारी टीम का कप्तान होता है। ये कारोबार को अपनी सलाहियत कायदाना सलाहियत से कामयाबी की तरफ ले जाता है। इसके बाद तहमुल मजाज भी होना चाहिए। कारोबारी शख्स अपने तहमुल मजाज की खासियत ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। उसे बड़े तहमुल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देनी चाहिए और उसे बड़े सब्र से अपने मुलाजमीन और ग्राहकों को सुनना चाहिए। नेक्स्ट जो है उसमें अच्छे कारोबारी शख्स की खसूसियत में आता है पेशा वराना और साफ। पेशा वराना और साफ में आ जाता है हमारा नंबर वन है अच्छा मुंतज़िम। एक कारोबारी शख्स को अच्छा मुंतज़िम होना चाहिए और उसमें अच्छे मुंतज़िम की खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। एक अच्छा मुंतज़िम कारोबार के वसाइल पैदावार और फ़रोग में बेहतर रब कायम करके कारोबार को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकता है। और जो है पेशा वाराना तालीम भी उसे होनी चाहिए, तालीम और तरबियत। एक कारोबारी आदमी को अपने कारोबार के मुतालिक न सिर्फ पेशा वाराना तालीम का हमल होना चाहिए बल्कि उसे तरबियत याफ्ता भी होना चाहिए ताकि वो अपने पैदावारी तकसीम के जदीद तरीके अपना सके और अपने कारोबार को अपने तालीम और तरबियत के मुताबिक तरक्की से हमकनार कर सके। तजर्बाकार, कारोबारी आदमी को इस कारोबार में वसी तजर्बा होना चाहिए जिसे वह शुरू करना चाहता है। तजर्बे के बगैर वह कारोबार से हाथ हुआ मुनाफा हासिल नहीं कर सकता। तजारती हालात से आगाही, एक अच्छे कारोबारी शख्स को मुल्की और गैर मुल्की तजारती हालात से आगाही होनी चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि दूसरे कारोबारी इदारे अशिया के फ़रोग के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं। उसे मुल्की और गैर मुल्की तजारत के तरीक़ाकार इसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम दस्तावेजात से मुकम्मल वाकफियत होनी चाहिए। और कवानीन से आगाही, एक अच्छे कारोबारी शख्स को अपने कारोबार से मुतल कवानीन के अच्छी तरह से इलम होना चाहिए ताकि वह कानून की हद में रहकर अपने कारोबार को तरक्की दे सके। ये तो थे हमारे आज के पॉइंट। अच्छे कारोबारी शख्स की खसूसियात को हमने पढ़ा है। एक अच्छे कारोबारी शख्स में ज़ाती साफ भी होना चाहिए और पेशा वाराना साफ भी होना चाहिए। यह आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इस हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे। इट्स ओके।